हेलो एवरीवन, आई एम शालनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट हियर वी आर स्टर्डिंग द ट्वेल्थ चैप्टर फ्रॉम होम साइंस क्लास ट्वेल्थ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चराइजिंग एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर सो अगर अभी आपने पार्ट वन और टू नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने फ़ैशन डिज़ाइन के बारे में जाना मर्चेंडाइजिंग के बारे में जाना उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ीं कि कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं फ़ैशन में जिसमें हमने पढ़ा था फ़ैशन के बारे में स्टाइल के बारे में फैट्स के बारे में क्लासिक के बारे में उसके बाद हमने फ़ैशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा फिर हमने फ़ैशन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा फैशन साइकिल होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं तो टोटल फाइव स्टेजेस होती हैं फाइव स्टेजेस को हमने पढ़ लिया था उसके बाद हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग जिसमें हमने पढ़ा था कि फ़ैशन मर्चेंडाइज़र कौन होता है और उसका रोल क्या क्या होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग देखो टोटल तीन लेवल होते हैं मर्चेंडाइजिंग के जिसमें सबसे पहला है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइजिंग इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट फंक्शन विद इन द फैशन इंडस्ट्री इट इज़ द बिजनेस दैट मूव्स द फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर्स शोरूम टू रिटेल सेल्स फ्लोर एंड इन टू हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स देखो ये एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन होता है ठीक है इसमें क्या किया जाता है इसमें डिज़ाइनर्स के शोरूम से यानी कि डिज़ाइनर्स के, के यहाँ से कपड़ों को या अपैरल को उठा के लाया जाता है और उसको नॉर्मल मार्केट में लाया जाता है और उसको थोक में बेचा जाता है ठीक है रिटेल मार्केटिंग की जाती है इसमें आपको पता है जब अभी आप कोई चीज़ थोक में खरीदते हो पूरे बर्क में खरीदते हो तो आपको फ़ायदा होता है और साथ ही साथ बेचने वाले को भी फायदा होता है तो दोनों के प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है कि बेचने वाले को भी फायदा हो और ख़रीदने वाले को भी फायदा हो तो यहाँ पे क्या होता है कि डिज़ाइनर्स के यहाँ से कपड़े उठाए जाते हैं और उनको रिटेलर्स के पास लाया जाता है फिर रिटेलर्स के पास से ये कपड़े कंज्यूमर्स के पास जाते हैं और इसमें कंज्यूमर्स को एक उनको लगता है ना जैसे कंज्यूमर्स जब ये कपड़ा खरीदते हैं जब कोई चीज़ वो थोक में खरीदते हैं चाहे कपड़ा ही नहीं कोई भी सामान जब आप थोक में खरीदते हो तो कंज्यूमर्स को भी ये लगता है कि चलो हमने कोई फायदा कमाया है उन्हें लगता है कि हमें कम दाम पे चीज़ें मिल गई हैं हमारा फायदा हुआ है साथ ही साथ जो बेचने वाला होता है जो सेलर होता है या जो रिटेलर होता है उसको भी लगता है कि उसने कोई फायदा कमाया है ठीक है तो ये जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या किया जाता है Uh, मैंने बताया ना कि डिजाइनर के यहाँ से सामान उठाया जाता है और उसको थोक में बेचा जाता है ठीक है ताकि जनता को सस्ते दाम पे वो सामान मिल जाए और कभी कभी क्या होता है जो ये रिटेल शॉप्स होती हैं यहाँ से दुकानदार भी कपड़े को ले जाते हैं थोक में खरीद के फिर वहां वो अपने हिसाब से उसको कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं ये भी होता है ठीक है नेक्स्ट है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल Amazon है Amazon हो गया फ्लिपकार्ट हो गया मिंत्रा हो गया ये सब क्या है बाइंग एजेंसी मर्चेंडाइजिंग के एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो निर्माता होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रखते हैं और कंज्यूमर्स यहाँ से अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पैसे के हिसाब से यहाँ से वो सामान खरीदते हैं ठीक है तो इसमें दोनों का फायदा होता है प्रोड्यूसर का भी फायदा होता है मतलब बेचने वाले का फ़ायदा होता है और ख़रीदने वाले का भी फायदा होता है ठीक है इट प्रोवाइड सर्विसेस फॉर गुड्स बाइंग कंसल्टेंसी बाइंग एजेंसी एक्ट एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफिस फॉर द बायर्स तो बायर्स के लिए मतलब खरीदने वाले के लिए ये जो बाइंग एजेंसी होती हैं, ये क्या करती हैं ये चीजें उपलब्ध कराती हैं ठीक है सेलिंग थ्रू बाइंग एजेंसी इज प्रॉफिटेबल फॉर एक्सपोर्टर एज इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड टाइम सेविंग तो ये जो बाइंग एजेंसी के थ्रू सेलिंग होती है इसमें एक्सपोर्टर्स को यानी कि जो हमारे सेलर्स होते हैं जो बेचने वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता है क्यों क्योंकि उनके पैसे की भी बचत होती है और साथ ही साथ उनके टाइम की भी बचत होती है देखो वो जो दुकान पे कंज्यूमर्स के साथ कस्टमर्स के साथ किचकिच करते हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिलती है आराम से वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे दिखा सकते हैं अमेज़ोन पे ठीक है उसके बारे में बता सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बाइंग एजेंट इज टू आइडेंटिफाईट कॉस्ट चेक इन प्रोसेस क्वालिटी एंड परफॉर्म प्रीशिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन तो अब ये जो बाइंग एजेंट्स होते हैं मतलब ये मान लो अगर अमेजॉन है उसके अंदर जो भी लोग हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं जो वहां पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देख रहे हैं उनका क्या काम होता है कि वो तो पहले नेगोशिएशन करते हैं कॉस्ट में मतलब कीमत को घटाते हैं बढ़ाते हैं अपने हिसाब से मान लो अगर कोई प्रोडक्ट उनके पास आया जिन जिस जो उनको लगता है कि थोड़ा महंगा है तो वो प्रोड्यूसर से कह सकते हैं दुकानदार से कह सकते हैं कि भैया इसको इसके प्राइस को कम करो तो वो अपने हिसाब से प्राइस में निगोशिएट कर सकते हैं दुकानदार के साथ समझौता कर सकते हैं उसके बाद वो क्वालिटी को भी चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी कैसी है फिर उसके शिपमेंट पे भी वो ध्यान देते हैं कि जनता तक उनको ये प्रोडक्ट पहुंचाना है कस्टमर तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है वो इस पर भी ध्यान देते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है बाइंग एजेंट के द्वारा ठीक है दे कीप अ रेगुलर कंट्रोल ओवर क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जहाँ पे चीज़ों को प्रोडक्ट बनाया जा रहा है फिर उनको जनता तक पहुंचाया जा रहा है तो वहाँ पे वो उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान रखते हैं आप देखते हो जब भी आप शॉपिंग करते हो अमेज़ोन पे फ्लिपकार्ट पे, तो आपसे आपका रिव्यू भी मांगा जाता है ठीक है तो आपके रिव्यू के हिसाब से ये जो एजेंसीज़ होती हैं ये सेलर्स को या प्रोड्यूसर्स को ये बताती हैं कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सही है यहाँ पे ख़राब है आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इस तरह से कंज्यूमर्स को भी प्रॉफिटेबल डील मिल जाती है वो आराम से अपने हिसाब से जो भी उनको सुटेबल कपड़ा लगता है सुटेबल सामान लगता है वो खरीदते हैं साथ ही साथ जो हमारे दुकानदार होते हैं हमारे जो सेलर होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी फायदा इससे होता है थर्ड इज एक्सपोर्ट हाउस मर्चेंडाइजिंग टू अंडरस्टैंड दिस इट इज बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मर्चिडाइजर इन एंड एक्सपोर्ट हाउस देखो एक्सपोर्ट हाउस मर्चेडाइजिंग को समझने के लिए आपको एक्सपोर्ट हाउस में मर्चिडाइजर का क्या काम होता है इसको समझना पड़ेगा देर आर टू टाइप्स ऑफ मर्चेडाइजर इन एंड एक्सपोर्ट हाउस देखो एक्सपोर्ट हाउस में दो तरह के मर्चेडाइजर होते हैं कौन कौन से द बायर मर्चिडाइजर एंड द प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर एक तो खरीदने वाला मर्चेंडाइजर होता है जो खरीदने में हेल्प करता है और प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर जो कि प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है ठीक है द बायर मर्चेंडाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बायर एंड द मैन्युफैक्चर देखो तो ये जो बायर मर्चेंडाइजर होता है ये क्या करता है लिंक स्थापित करता है किसके बीच में बायर के बीच में और मैनुफैक्चर के बीच में मतलब खरीदने वाले के बीच में और बनाने वाले के बीच में ठीक है यानी कि कंज्यूमर के बीच में और मैनुफेक्चर के बीच में दे हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द बायर फिर उसके बाद ये जो बायर मर्चेंडाइजर होता है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखे ठीक है और वो ये देखिए कि प्रोडक्ट जो है वो बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं बायर की जरूरत के हिसाब से है कि नहीं सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग सैंपलिंग एंड कम्युनिकेशन विद द बायर तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोर्स uh, प्रोवाइड करें सैंपल प्रोवाइड करें साथ ही साथ बायर के साथ कम्युनिकेशन भी करें द प्रोडक्शन मैनेज मर्चेंट ऑन द अदर हैंड आर अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड बायर मर्चेंट तो जो ये प्रोडक्शन मर्चेंट होता है ये किसके बीच में संबंध स्थापित करता है ये प्रोडक्शन और बायर मर्चेंट्स के बीच में संबंध स्थापित करता है यानी कि जो बायर मर्चेंट होते हैं मतलब कि बायर यहाँ वाले जो बायर थे ये क्या थे ये कंज्यूमर्स थे लेकिन ये बायर मर्चेंट क्या है ये मतलब ऐसे व्यापारी हैं जो कि खरीद के फिर दूसरे कंज्यूमर्स को चीज़ें बेचते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे प्रोडक्शन और बायर मैनेजमेंट सॉरी बायर मर्चेंट के बीच में लिंक स्थापित किया जाता है ठीक है दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शन गोज अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर तो यहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर की कि वो क्या करे क्वालिटी uh, पे ध्यान दे साथ ही साथ वो बायर के मर्चेंट बायर के शेड्यूल के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चीजें उपलब्ध कराए ठीक है ठीके? उसके बाद है अदर कंसेप्ट एंड रिक्वायरमेंट्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड आर और भी कुछ और कंसेप्ट हैं जो कि फैशन मर्चेंडाइजिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको समझना हमारे लिए जरूरी है तो उसमें से पहला है Target market. It is defined as category एज कैटेगरी ऑफ is टारगेटिंग एट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इसमें उन कंज्यूमर्स की बात की जाती है जिनको आप अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हो जैसे अगर आप ऐसा कपड़ा बना रहे हो जो खाली बच्चों के लिए है तो आप बच्चों के मार्केट में जाओगे आपका टारगेट कौन होगा आपका टारगेट बच्चे होंगे ठीक है बच्चों के पेरेंट्स होंगे इट इज इजेंशियल टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट एज दिस विल अलाउ द सेल्स डिपार्टमेंट टू फोकस ऑन दैट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स हु आर मोस्ट लाइकली टू परचेज द ऑफरिंग तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम अपने टारगेट मार्केट को समझें ठीक है जब आप टारगेट मार्केट को समझोगे अपने कंज्यूमर्स को जानोगे अपने कंज्यूमर्स की कैटेगरी को जानोगे तो आप ये जानोगे कि उनकी पसंद नापसंद क्या है ठीक है और उन्हीं के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराओगे इट इज ऑल्सो टू इंश्योर द हाइएस्ट रिटर्न फॉर मार्केटिंग सेल्स एक्सपेंडिचर तो इसमें क्या होता है जब आप अपने टारगेट मार्केट के बारे में जानते हो तो आप आसानी से बिक्री भी कर सकते हो चीज़ें बेच सकते हो और लाभ भी कमा सकते हो ठीक है दिस कैन बी डन थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन अब ये जो टारगेट मार्केट है ये इसमें जो आप सेलिंग करते हो ये किसके थ्रू हो सकती है मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू जहां पे आप मार्केट को क्या करते हो डिवाइड करते हो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट इनटू सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव कॉमन नीड्स एंड एप्लीकेशन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेस ऑफर्ड इन द मार्केट तो जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है इसमें क्या किया जाता है इसमें बड़े से मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे कंज्यूमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मार्केट कैन बी सेगमेंटेड इन वेरियस वे कई तरीके से हम मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं तो पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज सेक्स ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड इनकम तो देखो इसमें क्या किया जाता है इसमें जो हमारा मार्केट है उसको कैसे बांट दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से एज के हिसाब से सेक्स के ऑक्यूपेशन के एजुकेशन और इनकम के हिसाब से बांट दिया जाता है दूसरा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिटी स्टेट्स एंड रीजन इसमें क्या किया जाता है सिटी स्टेट्स और रीजन के हिसाब से मार्केट को बांट दिया जाता है क्लाइमेट ऑफ वेरियस प्लेस में वेरी एंड इट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रोल एज चॉइस ऑफ मर्चाइज स्पेशली एज सेक्शन ऑफ क्लोथ्स इज क्लाइमेट डिपेंड देखो जो हमारी जगह हैं कहते हैं ना कि जब आप सिटी स्टेट और रीजन के हिसाब से मार्केट बना रहे हो तो आप आपको वहाँ के मौसम का भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको वहाँ के क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि हर सिटी का हर स्टेट का हर रीजन का क्लाइमेट अलग अलग होता है और क्लाइमेट का कपड़ों के सेलेक्शन पे बहुत असर पड़ता है ठीक है नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल लाइक सोशल एक्टिविटीज इंटरेस्ट लेजर परस्यूट्स नीड्स एंड वॉन्ट्स इसमें क्या किया जाता है जो जनता है उसकी लाइफ को ध्यान में रखा जाता है कि वो किस सोशल एक्टिविटीज में से बिलोंग करती है उनके इंटरेस्ट क्या हैं वो अपने मनोविनोद के लिए कौन सी चीज़ें करती हैं मतलब मनोरंजन के लिए किस चीज़ में क्या काम करती हैं उनकी ज़रूरतें क्या हैं ठीक है पीपल हैविंग सिमिलर लाइफ स्टाइल कैन मेक अप अ टारगेट मार्केट ग्रुप तो वो लोग जिनका लाइफ स्टाइल सिमिलर होता है वो एक टारगेट मार्केट ग्रुप बना सकते हैं मतलब अलग अलग लाइफ के लोग अलग अलग टारगेट मार्केट ग्रुप बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑन सर्विसेज मेनी टाइम्स रेटिंग ऑफ यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज डन दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द सर्विस प्रोडक्ट एंड मेक इट डिफरेंट फ्राम अदर्स इसमें क्या किया जाता है इसमें लोगों के ओपिनियन को ध्यान में रखा जाता है उनके ओपिनियन के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विस को उनको प्रोवाइड कराया जाता है कई बार आप देखोगे कि रेटिंग की जाती है जब आप खरीदते हो कोई सामान तो आपसे कहा जाता है कि अपना रिव्यू दीजिए रेटिंग दीजिए आपकी रेटिंग के हिसाब से उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है या उस सर्विस को इम्प्रूव किया जाता है ठीक है और उसी के हिसाब से फिर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और उसी हिसाब से आपका एक टारगेट ग्रुप बना दिया जाता है ठीक है लोगों की पसंद के हिसाब से ठीक है उसके बाद है एज अ मर्चेंडाइज़र वन नीड टू इंटरप्रेट कंज्यूमर्स डिमांड ऑल्सो तो मर्चेंडाइज़र की हैसियत से आपको कंज्यूमर्स की डिमांड के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप एक मर्चेंडाइज़र हो तो आपको अपने कंज्यूमर्स की अपने कस्टमर्स की डिमांड पता होनी चाहिए देर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड वॉट कंज्यूमर्स बाइंग मोटिवेशंस आर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स को खरीदने पर मजबूर कर देती हैं क्या देख के कंज्यूमर्स कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग राइट्स दिए गए हैं मतलब मर्चेंडाइजिंग में कौन कौन सी सही चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है तो पहला है राइट right मर्चेंडाइज अब इसका मतलब होता है सही व्यापार ये कैसे होगा रिटेलर्स मस्ट फिल देयर शेल्फ विद द मर्चेंडाइज दैट द कंज्यूमर वांट्स तो जो रिटेलर होते हैं यानी जो व्यापारी होते हैं उनको अपनी दुकानों पे ऐसे प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जो कंज्यूमर्स चाहते हैं कंज्यूमर्स की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए सेकेंड है एट राइट प्लेस द लोकेशन ऑफ द मर्चेंडाइज इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस सिंस इट डिसाइड्स एक्सेसिबिलिटी। देखो सही जगह का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर व्यापार सही जगह पे नहीं होगा तो वहाँ पे ग्राहक सही से नहीं पहुँच पाएंगे तो ग्राहकों की पहुंच आपको बढ़ानी है तभी आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा ठीक है लोगों तक तो पहुंचेगा तभी तो बिकेगा तो आपको सही जगह चुननी पड़ेगी जहां आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ जहां पे आपको ज्यादा कंज्यूमर्स मिले ज्यादा कस्टमर्स मिले ठीक है उसके बाद है एट राइट टाइम सही समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा मच मर्चाइज इज सीजनल इन नेचर एंड मस्ट बी ऑन हैंड वैन इट इज मोस्ट नीडेड देखो कुछ जो व्यापार होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सीजनल होते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा उस सीजन को आपको ध्यान में रखना होगा जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है ठीक है उसके बाद है इन राइट क्वान्टिटी दिस मीन्स अ प्रॉफिटेबल बैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सेल एंड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री तो तो आपको जो राइट right क्वांटिटी है इसमें क्या है सही मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा कि सही कीमत पे सही मात्रा लोगों तक पहुंचाई जाए तो आपको कीमत के बीच में और क्वांटिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ठीक है फिर है राइट प्राइस मर्चेंडाइजर मस्ट अराइव एट अ प्राइस दैट इज़ हाई एनफ टू गिव द स्टोर प्रॉफिट एंड येट लो एनफ टू मिट द कॉम्पिटिशन एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन तो देखो सही प्राइस आप कैसे चुनोगे कि जो हमारा व्यापारी है उसको ऐसा प्राइस चुनना चाहिए जो उसके लिए उसकी दुकान के लिए प्रॉफिटेबल हो मतलब उसके हिसाब से उसकी दुकान को वो प्रॉफिट दे और साथ ही साथ जो हमारी जनता है जो हमारा कस्टमर है उसको ये लगे कि उसको वो सामान अफोर्डेबल प्राइस पे मिला है ठीक है तो आपको जनता पे भी ध्यान रखना है दुकान का मतलब मार्केट का कंपटीशन को भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कैसे उस प्राइस को सेट करें कि ना कंज्यूमर को नुकसान हो ना ही आपकी दुकान को नुकसान हो आप जितना प्राइस उससे सॉरी जितना प्रॉफिट उससे कमाना चाहते हैं आपको वो प्रॉफिट मिल पाए ठीक है तो एज अ मर्चेंडाइज़र एज अ व्यापारी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी फिर है विथ राइट प्रमोशन सही से उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट बिकता है या मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट बनता है तो प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द अपील क्रिएटेड फॉर द कस्टमर्स इंश्योर सक्सेसफुल प्रमोशन तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है साथ ही साथ आप अपील कर रहे हो मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रहे हो तो इससे क्या होगा आपका प्रमोशन अच्छा होगा कि आपने अच्छे से कोई चीज़ क्रिएट की और साथ ही साथ आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो उस चीज़ के लिए तो इसका मतलब आप सही से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पा रहे हो ठीक है उसके बाद है फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको वो समझ में आया हो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग